नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे जूल्स पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट के बारे में। इसके अंदर देखेंगे कि जूल ने जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसके दौरान इन्होंने इसके अंदर क्या फाइंड आउट किया और क्या उसका फॉर्मूला उन्होंने बताया था और क्या फॉर्मूला डिराइव किया था। तो देखिए इसके अंदर क्या है, जो जूल पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट है इसके सबसे पहले हम कंपोनेंट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये लगी है पुली, ये पुली है और पुली इस रोप के साथ, ये जो रोप है एक तरफ तो इससे कनेक्ट है जो कि है मास और दूसरी तरफ इस मैकेनिज्म के थ्रू इस पैडल से कनेक्ट है। तो ये जो है ये पैडल है और ये जो पैडल है ये इस रोप के थ्रू इस मास से कनेक्ट है। तो ये हमारा पैडल है। तो ये क्या है, ये क्या अरेंजमेंट है, देखिए जब मास को हम नीचे की तरफ खींचें या नीचे की इसको छोड़ दें फ्री तो ये नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा, ये इसको इस पैडल को घुमाएगा। तो ये मैकेनिज्म यहाँ पे लगाया गया है और इसमें माना गया है कि जो रोप है और जो पुलिस के बीच में फ्रिक्शन है वो लगभग नेग्लिजिबल है, तो वो है ही नहीं, तो ऐसा माना गया है, ऐसी अजम्पशन ली गई है। अब देखिए ये क्या है, ये इंसुलेशन कंटेनर है, इंसुलेटेड कंटेनर, ये है इंसुलेटेड कंटेनर। इंसुलेटेड कंटेनर मतलब इसके अंदर ना तो हीट हम इससे बाहर जाने देंगे और ना ही हम इसको देंगे, तो इंसुलेशन प्रोवाइड की गई है चारों तरफ से। अब इसके अंदर ये क्या है, ये है वाटर, ये वाटर इसके अंदर लिया गया है। वाटर क्या है, ये इसके जो पैडल है इससे ऊपर तक लिया गया है ताकि जब ये स्टीर करे, जब ये घूमे तो अच्छी तरह से वाटर को स्टीर कर पाए। जिस तरह से आपने देखा होगा, इसका जनरल सा एग्जांपल है, आप जब मक्खन निकालते हैं तो उसके अंदर जब वो फैन जो है एक तरह का वो स्टीर करता है, इसी तरह से ये भी इसके अंदर स्टीर करेगा। और ये लगा है थर्मोमीटर, ये थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर का फंक्शन क्या है, थर्मोमीटर का फंक्शन है कि अगर इसका जो वाटर का टेम्परेचर चेंज होगा तो कितना चेंज होगा ये थर्मोमीटर हमको बताएगा। तो ये सारे इसके कंपोनेंट हैं। अब देखिए इसकी वर्किंग को देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसकी वर्किंग को समझने से पहले कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जब हम किसी चीज़ को ऊपर उठाते हैं, मान लीजिए ये मास है, हम इसको ऊपर उठाएं तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होनी स्टार्ट हो जाती है। मान लीजिए यहाँ से आपने किसी चीज़ को यहाँ पहुँचा दिया, इस हाइट पर पहुँचा दिया, ये हाइट है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ से यहाँ तक वो इंक्रीज होती है, यानी कि इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, कि उसका जितना मास है कितनी हाइट तक हमने उसको पहुँचाया है। और जहाँ पे जैसे कि अर्थ की बात करें तो उसकी ग्रेविटी कितनी है, तो ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मास इंटू ये जो ग्रेविटी है अर्थ की और इंटू कितनी हाइट तक हम उसको लेके गए हैं, तो ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसा कि हमने जो हमारे डैम होते हैं वहाँ हम यही करते हैं, वाटर को ऊपर से गिराया जाता है क्योंकि हाइट पे उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो जब नीचे आता है तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। तो वही ये होती है पोटेंशियल एनर्जी, कि आप कितनी हाइट पे मास को ले जाते हैं और फिर छोड़ते हैं, यानी कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी आपने स्टोर की उसके अंदर और फिर आपने उसको छोड़ा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इसके अंदर देखिए जो वर्क ट्रांसफ़र है वो क्या होगा, अगर हम बात करें वर्क ट्रांसफ़र की तो वर्क ट्रांसफ़र क्या होगा, अगर इसके अंदर हम बात करें कि जो वर्क ट्रांसफ़र है, देखिए जो मास है इसको हम ऊपर की तरफ ले जाएं, इसको ऊपर की तरफ ले जाएं और उसको नीचे की तरफ छोड़ दें, तो क्या होगा, जो ये मास है इसको हम नीचे की तरफ गिरा दें, मान लीजिए यहाँ से आप इसको यहाँ पर गिरा देते हैं, यहाँ पर गिरा देते हैं तो यहाँ से, तो ये क्या है मास है और इतनी ये थी हाइट, तो यहाँ से आपने इसको यहाँ पे गिराया तो इसके अंदर ये क्या थी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी। जब आपने इसको छोड़ा तो जैसे ही आपने इसको छोड़ा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, और जैसे ही ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो ये किस में ट्रांसफर हो रही है, जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज है ये इसको स्टीर कर रही है, यानी कि वर्क ट्रांसफ़र हो रहा है। तो वर्क जो ट्रांसफ़र है वो किसके बराबर आएगा, जो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये इसके बराबर आएगा। जो वर्क ट्रांसफ़र है किसके बराबर आएगा, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जितना इसने वर्क ट्रांसफ़र किया और ये जिसकी जितनी इसकी यहाँ से ये नीचे गिरा इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई, तो वो तो ये दोनों बराबर होंगे,
टाइट एनर्जी क्या होती है, हमने अभी बात की, ये होती है एम इंटू जी इंटू एच, तो ये एम जी एच होती है। तो जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई और वर्क ट्रांसफर हुआ तो इसके अंदर थर्मल एनर्जी में चेंज आएगा, वाटर की थर्मल एनर्जी में चेंज आएगा। जो चेंज आएगा थर्मल एनर्जी में, यानी कि जो क्यू आएगा वो क्या आएगा, एम सी डेल टी। तो एम सी डेल टी जो है, इसके अंदर ये एम क्या है, ये है मास, सी क्या है, ये है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है ये समझ लेते हैं। देखिए स्पेसिफिक हीट क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई यूनिट मास है और इसका जो टेम्परेचर है आप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा लेते हैं। तो अगर आप यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट डिग्री बढ़ाते हैं, यानी उसका जो चेंज इन टेम्परेचर आया, या इसमें से हीट को निकालते हैं कि उसका जो 1 डिग्री या कहीं यूनिट जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाए, तो यूनिट डिग्री चेंज या वो बढ़े या वो घटे किसी चीज़ के अंदर से, जो यूनिट मास है उसके अंदर से जब हम हीट डालें या निकालें तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे C को दिखाया गया है स्पेसिफिक हीट, M क्या है मास है, डेल T क्या है चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि जैसे ही इसके अंदर वर्क ट्रांसफर होगा, जैसे ही ये स्टीर करेगा वाटर को तो वो क्या होगा, चेंज होगा, तो इसका टेम्परेचर चेंज होगा, तो वो हमने दिखाया है डेल T से। तो यहाँ पे डेल T है, तो Q क्या है, जो कि हमारी थर्मल एनर्जी चेंज आएगा, Q इक्वल टू एम सी डेल T। तो यहाँ से क्या आता है कि जो वर्क ट्रांसफर है यानी कि W है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q, यानी कि जितना वर्क ट्रांसफर हुआ यहाँ पे इसने थर्मल एनर्जी में चेंज आया वो हमने थर्मामीटर के थ्रू माप लिया, इस फॉर्मूला के थ्रू इसके अंदर पुट किया और हमने क्यू निकाल लिया। तो क्यू हमने निकाल लिया तो यहाँ से क्या आया, वर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू आता है, यानी कि जो वर्क ट्रांसफर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो हमारी थर्मल एनर्जी में चेंज आया है, यानी कि क्यू के। तो ये अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो ये क्या आ जाता है, इक्वल टू डब्ल्यू बाई जे। यहाँ पे जे क्या है, जे है जूल इक्विवेलेंट, इसको हम बोलते हैं जूल इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो इसके अंदर देखिए जो क्यू है आपका आ जाएगा डब्ल्यू बाई जे। तो जो जूल पेडल व्हील एक्सपेरिमेंट है वो हमारा यही बताता है कि जो हमारा इस तरह से जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू के, और जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो आपको मिलता है जे, जो कि है जूल इक्विवेलेंट। तो ये था जूल पेडल व्हील एक्सपेरिमेंट। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।